नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नेदरलैंड वर्सेस इंडिया में ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। आज मैं आपको इसका प्रेडिक्शन बताने वाला हूँ। न्यूजीलैंड का ऐसा कौन सा बैटर होगा जो आज 100 रन मारेगा और इंडिया का ऐसा कौन सा बॉलर होगा जो आज 5 विकेट निकालने वाला है। सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े होंगे तो मेरे नाम से कोई फ्रॉड से पैसा ले रहा है तो अगर जुड़े होंगे तो मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूं और आपको किसी को पैसा नहीं देना है। मेरे नाम से फ्रॉड करा तो आपको किसी को पैसा नहीं देना है। अब चलिए बात करते हैं मेन पॉइंट पर। तो ये आपका मैच होने वाला है वानखेड़े स्टेडियम में, पहली बात खेला जाएगा। ये आपका मुंबई का पिच कैसा रहेगा आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आपका टाइम होने वाला है, वही आपका टाइम होने वाला है 2:00 इंडियन टाइम। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट कैसा होने वाला है। अगर वानखेड़े का पिच रिपोर्ट देखा जाए, ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बता दिया है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब चलिए बात करता हूं, इंडिया अभी 9 मैचेस विन करके आ रही है, एक मैचेस विन करके आ रही है, नहीं तो इसको पिछला मैच 4 मैचेस लॉस होते आ रहा है। अगर इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा बैटिंग को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि अगर इसमें देखा जाए तो दोनों टीम मजबूत है तो बैटिंग तो होगा ही होगा, हाई स्कोर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फर्स्ट बॉलिंग करते हुए, अगर इसमें देखा जाए टोटल विकेट तो 73 विकेट गिरा हुआ है। अभी तक फास्ट बॉलर 59 विकेट हुआ है जिसमें से स्पिनर 14 विकेट लिया है, इस बात को आपको ध्यान देना। अब बात करते हैं मेन मुद्दा जो आपका होने वाला है वानखेड़े स्टेडियम का। अभी तक टोटल मैचेस 32 खेला गया जिसमें से आपका फर्स्ट इनिंग स्कोर करते हुए 247 और सेकंड में आप देख सकते हैं 198 रन गया है। अब बात करते हैं हाईएस्ट टोटल, तो 2438 पर आपका 4 विकेट गया है और लोवेस्ट में बात करते हैं तो 55 पर 10 विकेट गया है। अब उससे ज्यादा इंपोर्टेंट होता, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने ग्रेन लीगिज जीता हुआ है और वो आपको देख सकते दूसरा जब वर्ल्ड कप का मैच स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड में, और आप मेरी हर एक विनिंग प्रूफ देख सकते हैं। अगर मैं टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे तो जय महाकाल वाईटी नाम से मेरा टीम जो है मैं देता हूं। अब बात करते हैं मेन जो आपका सबसे इंपोर्टेंट आपका यही होने वाला है। अब बात करते हैं मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम में पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल, इस मैदान पर हाई स्कोरिंग मुकाबले होते रहते हैं। वर्ल्ड कप 2023 में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 382 रन, यानी साउथ अफ्रीका बहुत हाई स्कोर दिया है, इस बार आपको ध्यान देना। अगर कोई भी बैटिंग करता है तो आपको सबसे ज्यादा हाई स्कोर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं विस्कार स्कोर खड़ा किया जा सकता है, हालांकि इस मैदान पर तेज गेंदबाजों और स्पिनर को दोनों के लिए मदद मिलती है, लेकिन इस पिच में काफी उछाल भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मोहम्मद जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ये जो बड़े बड़े बॉलर है तो ज्यादा उछाल मिलती है, तो अगर उसमें कैच मिलने की संभावना आपको सबसे ज्यादा रहता है। अब बात करते हैं इसमें अगर देखा जाए औसत स्कोर तो 247 पे गया है, अगर उसमें दूसरी पारी को देखा जाए तो 196 रन पर उसमें आउट हो गई है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, कल का आप प्रेडिक्शन मेरा देख सकते हैं 1087 गया है, जो मैंने के राहुल को ले रखा था। अगर मेरे कैप्टन देखेंगे तो रोहित शर्मा एक विकेट लिया था और देख सकते सर सैयद ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस ये किए थे। और मैंने एक मिस्टेक कर दिया था, एलबी विरक को मैंने अपनी टीम में ले रखा था और इधर आप देखेंगे तो मैंने मोहम्मद शमी को ले रखा था। नहीं तो दोस्तों अगर चाहे कुलदीप यादव चाहे नेदरलैंड का कोई बैटर रहता तो मैं ड्रीम इलेवन चेंजर बन गया था। अब बात करते हैं इंडिया का बेस्ट प्लेइंग कौन सा होने वाला है, तो पहले नंबर पर आप देखेंगे रोहित शर्मा जो आपको कैप्टन का काम करेंगे, दूसरे नंबर पर सुमन गिल, तीसरे नंबर पर विराट कोहली, चौथे नंबर पर आपको शेरसैयर और आपका के राहुल सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होते अगर न्यूजीलैंड फील्डिंग करती है। अगर ट्रेंट बोल्ट, अगर रोहित शर्मा को चाहे सुमन गिल को परेशान किए तो अगर आउट हो जाएंगे तो सबसे ज्यादा आपको मिडिल ऑर्डर में आपको अच्छे खासे आपको बैटिंग देखने को मिलेगा। इसमें हार्दिक पांड्या का कोई अभी खेलने का सूचना नहीं है तो हो सकता ना खेले, लेकिन रविंद्र जडेजा आपको खेलने को देखने को मिलेगा, रविंद्र अश्विन इसमें नहीं खेलने वाले। अब उससे ज्यादा इंपोर्टेंट जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज जो कुलदीप यादव होने वाले और मोहम्मद सिराज वो आपको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले, तीनों बॉलर अपने टीम में लेकर जाना आगे मैं आपको बताने वाला हूं। अब चलिए जो इंडिया का रिसेंटली परफॉर्मेंस अच्छा करने वाला है उसका मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप रोहित शर्मा को देखेंगे तो पहले मैच में अगर देख सकते हैं उनका पिछला मैच 40 पर गया था 4 विकेट पर, उसके बाद 87 रन, उसके बाद इन्होंने 46 रन, 48 रन। अगर पिछला मैच इन्होंने देखा जाए तो लास्ट पॉइंट का देखा जाए तो 108 पॉइंट दे रखा था और इन्होंने एक विकेट भी ले रखा था। अब बात करते हैं सुमन गिल, अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है विराट कोहली और सुमन गिल और
सूर्य कुमार यादव बॉलिंग कराएंगे तो इस बार नहीं कराने वाले, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो इस बार आपको सेमीफाइनल होने वाला है, अगर टीम इंडिया हारती है तो बाहर हो जाएगी। अब बात करते हैं सुमन गिल, तो पिछले मैच में उन्होंने 23 रन मारकर आउट हो गया था, लेकिन उनका रिसेंटली परफॉर्मेंस देखेंगे तो 92 रन, 26 रन, 53 रन, अगर इसका लास्ट मैच का पॉइंट देखा जाए तो 76 पॉइंट दे रखा था। अब बात करते हैं विराट कोहली और श्रेयस अय्यर में, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो इन दोनों को अपने टीम में लेकर जाना। पिछले मैच में विराट कोहली ने 51 रन का पारी खेला था और इनका हर एक मैच में 188 रहता है, अगर 22 रन आउट हो जाते हैं तो आपको अदर टीम भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब बात करते हैं श्रेयस अय्यर, आपको पता होगा कि इन्होंने बहुत खतरनाक बैटिंग किया था और पिछले मैच उन्होंने 128 रन का पारी खेला था, उसके बाद इनका अगला परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन इनको अपनी टीम में लेकर जाना है। अब बात करते हैं के राहुल पिछले मैच में 102 रन का पारी खेला था और वो भी 62 गेंद पर, बहुत खतरनाक, कोई सोचा नहीं था कि मैं इनको कैप्टन बना के जाने वाला हूं। अब बात करते हैं सूर्य कुमार यादव, अगर विकेट गिरता है स्टार्टिंग में तो मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव आपको कम समय में अच्छा परफॉर्मेंस करके आपको दिलाने वाले। अब बात करते हैं रविंद्र जडेजा, तो इनका हर एक मैच में अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, अगर इनका पिछला मैच देखा जाए तो इन्होंने 2 विकेट लिया था प्लस उसके बाद अगला मैच देखेंगे तो 29 रन, उसके बाद इन्होंने 5 विकेट लिया था, उस दिन उन्होंने कैप्टन मैंने बना के गया था। अब बात करते हैं उसके बाद मोहम्मद शमी, तो पिछले मैच में मोहम्मद शमी को विकेट नहीं मिल पाया था, लेकिन अगर इनका 4 मैचों का रिसेंटली परफॉर्मेंस देखेंगे तो 2 विकेट, 5 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट, क्योंकि बड़ा मैच है तो मोहम्मद शमी आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दिलाने वाले हैं। चाहे जसप्रीत बुमराह चाहे कुलदीप यादव, तो इन दोनों का परफॉर्मेंस बहुत खतरनाक रहता है, लेकिन जसप्रीत बुमराह कभी मिस हो जाते हैं लेकिन कुलदीप यादव कभी मिस नहीं होते, 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट हमेशा इनका परफॉर्मेंस रहता है, तो इन दोनों को अपनी टीम में लेकर जाना। आप बात करते हैं मोहम्मद सिराज, पिछले मैच में 2 विकेट लिया था और इनका लास्ट मैचेस का पॉइंट देखेंगे तो 66 पॉइंट इन्होंने दे रखा था। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड का बेस्ट प्लेइंग कौन सा होने वाला है, तो पहले नंबर पर आपको डेविल कोनवे देखेंगे, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा रविंद्रा, उसके बाद सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले आपको केन विलियमसन, उसके बाद डेरी मिचल, उसके बाद मार्क चैंपियन ग्लेन फिलिप, उसके बाद आपको मिचल सेंटर आपको देखने को मिलेगा जो आपको सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करके दिलाने वाले, उसके बाद ट्रेंट बोल्ट, मैट रेनरी और लॉकी फॉर किजन जो आपको अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले। अगर इनका लास्ट मैच का पॉइंट देखेंगे तो डेविड कोलवे ने 45 रन मारकर आउट हो गया था पिछले मैच में और इन्होंने 60 पॉइंट लास्ट मैच का पॉइंट दिया था। अगर रचिंद्र रविंद्रा की बात किया जाए तो इन्होंने पिछले मैच में 42 रन मारा हुआ था और प्लस 2 विकेट लिया था जो कैप्टन का काम किया था और 121 पॉइंट इन्होंने लास्ट मैच का पॉइंट दे रखा था। अब बात करते हैं केन विलियमसन, जो आपको सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिडिल ऑर्डर में करके दिलाएंगे, जो आपको हर एक मैच 95 78 94 61 रन, एक मैच में इन्होंने 14 रन का पारी खेला हुआ था लेकिन हर एक मैच में इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर जो आपको डेरी मिचल होने वाले, अगर इनका परफॉर्मेंस देखेंगे 43 रन, 29 रन, 24 रन, 54 रन और एक मैच में इन्होंने 130 रन का पारी खेला था, अगर इनका लास्ट मैच का पॉइंट देखेंगे तो इन्होंने 88 पॉइंट दे रखा था, बहुत खतरनाक बैटिंग करते। अगर मार्क चैंपियन की बात की जाए तो इनको अपने टीम से ड्रॉप करके ही चलेंगे, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड का विकेट गिरता है तब इनको चांस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। तो चाहे तो आप ग्लेन फिलिप को अपने टीम में रख सकते हैं जो सबसे अच्छा बॉलिंग करके आपको और विकेट दिला के, एक मैच में उन्होंने 12 रन प्लस 3 विकेट लिया हुआ था, इस समय अच्छा परफॉर्मेंस करते। टॉम लिथन भी कम समय में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दिलाने वाले, लेकिन आपको टॉम लिथन की जगह चाहे तो आप के राहुल को अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिचेल सेटलर, जो आपको 8वें नंबर पर होने वाले, इनका हर एक परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, चाहे रविंद्र जडेजा की कंपेयर किए जाए तो दोनों आपको सेम होने वाले, इन दोनों को अपनी टीम में लेकर जाना है। 2 विकेट प्लस 26 रन, 17 रन, 2 विकेट हर एक मैच इनका देखेंगे तो लास्ट मैच का पॉइंट उन्होंने 76 पॉइंट दे रखा था। ट्रेंट बोल्ट, उसके बाद लॉकी फर्गिसन, इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो सबसे बेस्ट आपको ट्रेंट बोल्ट होने वाले, क्योंकि अगर रोहित को, गिल को, आप विराट कोहली को परेशान किए तो आउट इनको विकेट मिलने की चांस अधिक बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं जो आपको 11 नंबर पर होने वाले, वो आपको टीम सऊदी होने वाले, तो इनको अपने टीम से ड्रॉप करके ही जाएंगे, क्योंकि जो इंडिया का सबसे ज्यादा आपको बॉलर लेकर जाना है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको अपने टीम में कौन सा प्लेयर लेकर जाना है, मैं इसमें आपको 2 टीम देने वाला हूं जो आपको ग्रेट लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले नंबर पर अगर मेरी टीम देखेंगे तो मैंने विकेट कीपर में केएल राहुल को ले रखा है, अगर आप बैटर में देखेंगे तो मैंने 5 बैटर लेकर जा रहा हूं, पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली,
उसके बाद केन विलियमसन, उसके बाद नीचे जाएंगे तो अभी आपको देखने को मिलेगा जो मैंने सुमन गिल को और डेरी मिचल को ले रखा है। अगर ऑलराउंडर में देखेंगे तो मैंने रचिंद्र रविंद्रा उसके बाद रविंद्र जडेजा को ले रखा है और इन दोनों का कंपेरिजन देखें तो सबसे बेस्ट रहता है, तो इन दोनों को मैंने कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बना के जा रहा हूं। अगर बॉलर में देखेंगे तो बॉलर में जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, उसके बाद मोहम्मद शमी को, ये मेरी पहली टीम होने वाली है। अगर दूसरी टीम देखेंगे तो मैंने इसमें ले रखा है डेविल कोनवे को, जो मैंने के राहुल को जगह पर लिया हुआ। अब बात करते हैं जो हम बैटर में देखेंगे तो बैटर में रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, उसके बाद डेरी मिचल को मैंने ले रखा है और केन विलियमसन को मैंने इसमें ड्रॉप करके रखा हुआ है। उनके जगह पर इस बार मैंने मिचल सेंट्रल को, रविंद्रा को, उसके बाद ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा को ले रखा है। अगर बॉलिंग में बात की जाए तो मैंने वही सेम बॉलर ले रखा है, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और मोहम्मद शमी को ले रखा है। इस तरह से मेरा ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको ड्रीम इलेवन में चेंजर होना चाहते हैं, अगर आप कुछ यूनिक टीम बनाना चाहते हैं जिस तरह से मेरी तरह से, अगर आपको विनिंग करना है तो सबसे पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर आपको फ्री में टीम मिलेगा और किसी को आपको पैसा नहीं देना मेरे नाम से। अगर वो फ्रॉड करता है तो आपको पैसा नहीं देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।